हेलो दोस्तों, आपको हमारा न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो आप लोगों के पास पपी या डॉग्स है बड़ा वाला, तो उसको कैसे नहाना कराना चाहिए, कैसे उसका स्नान जो है उस कैसे किस तरीके से कराने से उसका दिक्कत नहीं होगा, तो आज हम वही चीज़ लेके वीडियो कर रहे हैं। तो देखो, पहले तो उसे बांध दिया है क्योंकि वो बहुत भागता है, तो इसलिए तो अब उसे अच्छी तरीके से पहले उसका पूरा जो शरीर है उसे गीला कर रहा है पानी से, आस्ते धीरे धीरे। तो इस अच्छी अच्छी तरीके से एकदम धीरे धीरे उसके ऊपर पानी डालिए, जिसके कि उसके कान में जो पानी है वो चला ना जाए, ठीक है। वो आप लोग ध्यान रखिए, जो आपका डॉग है उसके कान में पानी चला जाए तो क्या होगा, उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत होगा और डॉग्स को भी या पप्पी को भी दिक्कत हो सकता है। तो हमारा बेटा जो है, इसका नाम है भोदर, तो भोदर का जो सोप है तो वो डॉग्स वाला ही सोप है, उससे उसको नहाई नहाई हो रहा है अभी, और रोज शांत है, एकदम चुपचाप है, कोई भी कोई बात है, क्या हो गया, हाँ इतना सैड क्यों है तू। और उसके बाद उसका जो शैम्पू है, उस शैम्पू से उसका पूरा धुलाई होगा, ठीक है। अभी तो पूरी अच्छी तरीके से उसका धुलाई हो रहा है, सबसे बड़ा बात उसको ऐसे करके 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम लोग। छोड़ने से क्या होगा, उसका जो जो बाल है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नहाने के लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा है, तो डालने के बाद उसका नहाना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, नहाने के बाद उसका खेलना स्टार्ट हो गया है। उधर फिर से दौड़ लगा, ये देखो मेरा बच्चा खा गया, तू अच्छा फिर से दौड़ लगा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको नहाना कराना चाहिए आपके डॉग्स के साथ, आपके पेट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।